नमस्कार, मैं रवि तिवारी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक से। आज मैं रेलवे की एक महत्वपूर्ण परीक्षा एनटीपीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस परीक्षा से संबंधित कई प्रश्न आपको भ्रमित कर रहे हैं, कई प्रश्न आपके मन में है कि सर परीक्षा तिथि क्या है, अंतिम समय में हम इसकी तैयारी कैसे करें, प्रमुख पुस्तकें कौन सी होनी चाहिए, सटीक रणनीति कौन सी होनी चाहिए, संस्था की क्या उपयोगिता है इस परीक्षा में आप लोगों के लिए, या हम आप लोगों के लिए क्या तैयारियां इस परीक्षा से संबंधित कर रहे हैं। इन्हीं सब महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेके मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इसी वर्ष के प्रारंभिक समय में जब हम लोगों ने देखा तो एनटीपीसी परीक्षा के फॉर्म आपके लिए गए थे और पूरा वर्ष चला गया लेकिन परीक्षा आपकी आयोजित नहीं हो सकी, है ना। तरह तरह की समस्याएं इस परीक्षा को लेकर जो है केंद्र सरकार के पास थी, सरकार के पास थी। लगभग लगभग अगर हम रेलवे मिनिस्ट्री की वेबसाइट को चेक करें तो लगभग लगभग चीजों से अब जो है निजात पा ली गई है और एक एजेंसी का गठन किया जा रहा है आपकी परीक्षा को लेने के लिए। और जहां तक जो जानकारी निकल के, पुख्ता जानकारी निकल के सामने आ रही है विश्वसनीय सूत्रों से, तो ये माना जा सकता है कि जनवरी के द्वितीय सप्ताह और तृतीय सप्ताह में आपकी ये परीक्षा आयोजित की जा सकती है 2020 में। तो अभी से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास लगभग 55 से 60 दिवस का जो समय है वो शेष रह जाता है इस परीक्षा की तैयारी के लिए, क्लियर। तो ये एक जानकारी है, क्योंकि इस परीक्षा से संबंधित बहुत सारे छात्र छात्राएं इसी वर्ष के प्रारंभिक समय से हम लोगों से जुड़े हुए थे। एक बैच हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस परीक्षा का संचालित भी किया जिसमें लगभग 5 से 6 हजार स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम लोगों ने उस बैच को पूर्ण कर लिया। उस बैच में टेस्ट सीरीज केवल हम लोगों ने अभी नहीं दी थी, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि जब परीक्षा की डेट आएगी तो वर्तमान के करंट को उसमें शामिल करते हुए और एक अपडेटेड टेस्ट सीरीज आपको देंगे, बाकी डाउट क्लास के साथ, रिवीजन क्लास के साथ पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग उस बैच पर पूर्ण कर चुके हैं। जो सदस्य देख रहे हैं वो सदस्य कभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, आप सभी सदस्य जो देख रहे हैं उन सदस्यों को भी आगे क्या करना है और आगे की आपकी योजना क्या होनी चाहिए, उसी योजना पर हम लोग आज बात करने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले कि जैसे मैंने आपको संभावित तारीख के बारे में बताया कि जनवरी के द्वितीय सप्ताह या तृतीय सप्ताह में आपकी परीक्षा हो सकती है और दिसंबर के अंत समय तक, आप जैसे कि सुन रहे हैं तमाम अखबारों से भी आपने सुना, रेलवे मिनिस्ट्री की वेबसाइट से भी आपने सुना और भी कई माध्यमों से आपको पता चल रहा है कि दिसंबर के अंतिम जो है सप्ताह तक आपके एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं और जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपकी महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अब हम लास्ट समय में इस परीक्षा से संबंधित क्या ऐसी चीज करें कि हम इस परीक्षा में 100% सफल हो चुके और हमारी तैयारी की रूपरेखा भी अंतिम समय में क्या होनी चाहिए, संस्था आपके लिए क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि लगातार आप लोग संस्था के पास फोन कॉल कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए। तो इस वजह से हम लोगों ने कहा कि थोड़े से इस पर जो है कुछ विचार किया जाए तो हम कुछ एक महत्वपूर्ण कार्य योजना के साथ आपके समक्ष उपलब्ध है। मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में कि प्रमुख किताबें और सही रणनीति आपकी इस परीक्षा के लिए क्या होनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत के क्रम में जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर 3 बिंदु है, परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि को मैं आपको बता चुका हूं कि परीक्षा तिथि अभी जैसे मैंने कहा जनवरी के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में परीक्षा लगभग लगभग आपकी यहां पर संभावित है, क्लियर। दूसरी बात, परीक्षा योजना आपकी क्या होनी चाहिए, तो परीक्षा योजना के बारे में मैं आपको बताता हूं। 50 दिन का टारगेट लेके सटीक रणनीति पर आपको कार्य करना है। अब कि 50 दिन का टारगेट आपके पास है, वो एक सटीक रणनीति आपकी पढ़ाई लिखाई की होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो आप लोगों बहुत कर चुके हैं लेकिन उस पढ़ाई लिखाई पर जो आपकी सटीक रणनीति है वो क्या है। विषयवार अगर हम लोग देखें तो रीजनिंग और गणित, इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, ये एक ही विषय के रूप में आप ले लीजिए और सामान्य विज्ञान की भूमिका इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है रीजनिंग और गणित के साथ, और करंट अफेयर्स की भूमिका भी थोड़ी सी इसमें बढ़ जाती है। तो इस परीक्षा के लिए अब विषयवार अगर हम इस परीक्षा की रूपरेखा पर बात करें तो देखिए इस परीक्षा में जो महत्वपूर्ण रोल आपके सिलेक्शन में प्ले करता है वो आपका रीजनिंग है, गणित है, करंट अफेयर्स है और सामान्य विज्ञान है। सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान की भी भूमिका है लेकिन वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपकी रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान की भूमिका है। तो चारों विषय पर आपको फोकस करते हुए इस पर काम करना है। सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन संख्यात्मक मान में बहुत कम आते हैं और इतना सामान्य ज्ञान आप लोग हल वैसे भी कर सकते हैं। अगर हम इस परीक्षा में बात करें तो चूंकि जो छात्र हम लोगों से जुड़े रहे हैं, छात्र छात्राएं इससे पहले, उन लोगों को अच्छे से मालूम है कि किस तरीके से हमने आप लोगों को रीजनिंग, गणित अंतिम समय तक तैयार कराया और सामान्य विज्ञान की तैयारी भी जिस तरीके से आप लोगों को कराई गई,
करंट अफेयर्स अभी मैं फिर से आपको एक बार पढ़ाऊंगा, तीन बार मैं करंट अफेयर्स आपके बैच में इससे पहले पढ़ा चुका हूं। आइए इस परीक्षा की रूपरेखा पर अच्छे से एक बार बात करते हैं सभी बिंदुओं पर। सबसे पहले परीक्षा तिथि, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि यह परीक्षा जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोजित आपकी संभावित है, और अगर आप मेरी बात को माने तो लगभग आप इसी समय सीमा को केंद्र में रखे अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें। अगर आप सुस्त पड़े हुए हैं तो अब सुस्त रहने का समय नहीं है, और आप ये मान के चले कि आपको 50 दिन का एक टारगेट लेके चलना है अंतिम चयन के लिए, और 50 दिन के टारगेट में ये परीक्षा आप आराम से पास कर सकते हैं। कैसे इस 50 दिन का टारगेट आपका पूरा होगा और उसमें 50 दिन के टारगेट में क्या रणनीति होगी, उस पर मैं अभी जो है बात कर रहा हूं परीक्षा योजना के इस हिस्से में और सटीक रणनीति के इस हिस्से में। अगर हम विषयवार इस पर बात करें तो विषयवार हम लोग देखते हैं कि देखिए इसके जो मुख्य भाग है वो क्या है, रीजनिंग गणित है ना, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन हमने एक साथ लिख दिया है, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, हालांकि सामान्य विज्ञान भी अगर हम लोग देखें तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का भी हिस्सा है, लेकिन चूंकि सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहती है इसलिए हमने अलग वर्गीयता में उस क्रम को लिखा है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका करंट अफेयर्स की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण आपके चयन में होती है। जो सदस्य पिछले बैच के सदस्य थे हमारे, उनको अच्छे से मालूम है कि किस तरीके से हमने आपको रीजनिंग और गणित तैयार कराया है। यहां पर लगातार हम लोगों ने आपको सिखाया है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के पेपर की अगर हम एनटीपीसी में बात करें तो एक तो सीबीटी 1 का पेपर सीबीटी 2 से अलग है, सीबीटी 1 में पेपर की प्रवृत्ति थोड़ी सी आसान है लेकिन कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न हल करने हैं। तो यहां पर जब बेसिक टॉपिक्स को हम लोगों ने आपको पढ़ाया था रीजनिंग और गणित के, तो हमने बेहतर तरीके से आपको ये सिखाया था, केवल हमने आपको पाठ्यक्रम नहीं बताया था बल्कि हमने आपको वो चीज भी बताई थी कि किस तरीके से आप कम समय में ज्यादा प्रश्नों को हल कर सकते हैं, या इस तरह के एग्जाम्स में जो आपके अप्रोच है वो अप्रोच आपके क्या होने चाहिए पेपर को हल करने के। क्लियर, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की भूमिका उतनी ज्यादा आपके चयन में नहीं है क्योंकि बेसिक लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और लगभग लगभग एक परीक्षार्थी के रूप में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतने प्रश्नों का बोध आपको आराम से होता है कि आप उसको हल कर सकते हैं। हालांकि कुशल मार्गदर्शन में यहां पर भी गलती की गुंजाइश बिल्कुल समाप्त हो जाती है और यहां पर भी चीजों को आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया था वो घर पर भी बैठ के, हम लोगों ने इससे पहले आपको कई वीडियो ऐसे दिए हैं कि घर पर भी बैठ के हम आपका मार्गदर्शन करते रहे कि किस सीमा में आपको तैयारी करनी है। देखिए हर परीक्षा का एक अपना नेचर होता है, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है। जो बैच हम लोगों ने आपके लिए पहला लेके आए थे वो सीबीटी 1 और प्लस सीबीटी 2 दोनों का कंबाइंड बैच था जो हम लोगों ने आपको पूरा किया था इससे पहले वाले बैच पर। क्लियर, अब 50 दिन आपके पास है तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पाठ्यक्रम कुछ अलग अलग नहीं है, बल्कि सीबीटी 2 में जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं तो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग की भूमिका बढ़ जाती है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपका बढ़ जाता है। मैथ में अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स की भूमिका बढ़ जाती है मैथ में यहां पर, और कुछ एडवांस के पोर्शन और ज्योमेट्री के पोर्शन भी आप लोगों से यहां पर पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के प्रश्नों की प्रवृत्ति भी थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो जब हमने बैच संचालित किया था तो हमने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की आपको एक साथ तैयारी कराई और बहुत अच्छे से हमने उस बैच को तैयार कराया। उस बैच में अभी टेस्ट सीरीज आपकी हम लोगों ने इसलिए छोड़ के रखी है क्योंकि अंतिम समय में जब परीक्षा होगी तो करंट को अपडेट करके समाहित करते हुए जो 5 से 7 जो प्रश्न पत्रों की आपकी टेस्ट सीरीज है हम लोग उसको आपको देंगे। तो अब इस परीक्षा की रणनीति पर अगर हम लोग बात करें और पुस्तकों के कैसे, तो देखिए अब हम लोग आपके लिए 50 दिन का एक टारगेट क्रैश कोर्स प्लान कर रहे हैं जो सीबीटी 1 और प्लस सीबीटी 2 दोनों के लिए होगा, और ये 40 से 50 दिन का क्रैश कोर्स होगा। 40 से 50 दिन के क्रैश कोर्स के लिए हम आपके पहले सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं कि आप कितना इस क्रैश कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और क्या आपकी इस क्रैश कोर्स पर भूमिका रहेगी। तो पहले एक सुझाव के रूप में हम आपसे एक सुझाव आमंत्रित करते हैं, 50 दिन केवल आप एनटीपीसी को समर्पित करेंगे और हम आप लोगों को केवल एनटीपीसी ओरिएंटेड होकर पढ़ाएंगे। हम यहां पर आपको पाठ्यक्रम नहीं सिखाएंगे बल्कि हम ये बताएंगे कि 50 दिन के क्रैश कोर्स में कम समय में आपको
कितना सिलेबस नहीं पढ़ना है और एनटीपीसी के हिसाब से क्या पढ़ना है, इसके बाद में तुरंत आपको नोट्स की रणनीति और पाठ्य पुस्तकों के बारे में भी बताने चल रहा हूं। जैसे अभी आप देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक जूनियर असिस्टेंट का 25 दिन का क्रैश कोर्स बैच शुरू किया था। जो भी जूनियर असिस्टेंट के सदस्य इस बैच को देख रहे हैं, हमने 25 दिन में केवल जूनियर असिस्टेंट ओरिएंटेड होकर उन लोगों को इस तरीके से पढ़ाया है कि आज आप हाईली सेटिस्फाइड है और अपने प्रारंभिक समय से अगर वो आज को देख रहे हैं तो वो बहुत संतुष्ट है और खुद में कॉन्फिडेंट है कि सर अब हम जूनियर असिस्टेंट क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि हर परीक्षा का रिसर्च के हिसाब से अलग नेचर होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल पर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो लोग आप लोग हम लोगों से जुड़े हैं किसी भी बैच के माध्यम से, वो कमेंट करके बता सकते हैं कि हम लोग आपसे कुछ फीस जरूर चार्ज करते हैं लेकिन डिसिप्लिन और गुणवत्ता में हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटते। आप पिछले 10 बैच उठा के देख लीजिए जो वनडे के आपके चले हैं, यहां पर 100% आपके बैच टाइम से पहले पूरे किए गए हैं, सबके डाउट क्लासेज हुए हैं, सबकी टेस्ट सीरीज हुई है और सब बैच को उस परीक्षा के नेचर के हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया है। तो आप लोगों की बहुत मांग पर हम एक 50 दिन का टारगेट क्रैश कोर्स एनटीपीसी के लिए डिजाइन किया है पूरी रिसर्च के साथ, जो हम 44 से 45 दिन में आपका खत्म करेंगे और 45 से 50 दिन में इस डाउट क्लासेज को खत्म करते हुए इसमें टेस्ट सीरीज भी आपकी 5 से 6 प्रश्न पत्रों की शामिल की गई है। आप जो लोग मान लीजिए घर पर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं आपको कुछ बता दूं कि अंतिम समय में आपको कैसे करनी है। जैसे अगर हम गणित की बात करें तो गणित के लिए पिछले 16 वर्षों के जितने प्रश्न पत्र आपके प्रश्न आए हैं वो टॉपिक वाइज यहां पर घटना चक्र की किताब में आपके दिए हुए हैं और आप घटना चक्र की किताब से टॉपिक वाइज अगर आपने पूरा पढ़ लिया है, अगर आपको उस विषय का पूरा नॉलेज है, क्योंकि घटना चक्र जो किताब होती है उस घटना चक्र के पास अपना कुछ नहीं होता बल्कि वो असेंबल्ड है, आपको वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे देगा बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं देगा। तो अगर आप ये मानते हैं कि आपने उस तैयारी को पूरा कर लिया है, आपकी गणित पूरी तैयार है ना, तो आप अंतिम समय में प्रैक्टिस के लिए इस घटना चक्र को ले सकते हैं। बाकी जो लोग क्रैश कोर्स के सदस्य होंगे उनको हम प्रैक्टिस सीट टॉपिक के साथ देंगे, आपको घटना चक्र की जरूरत नहीं है। जो सदस्य हम लोगों से नहीं जुड़ पाए हैं विगत समय में या जो नहीं जुड़ने जा रहे हैं वो घर बैठे भी इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं घटना चक्र के माध्यम से। रीजनिंग में भी आप घटना चक्र ले सकते हैं और घटना चक्र के साथ आप रीजनिंग की मेरी किताब भी आप चूंकि रिकमेंड में आपको कर रहा हूं, जिन लोगों के पास है वो किताब के हिसाब से फीडबैक दे सकते हैं और इस किताब को खरीदने से संबंधित प्रत्येक जानकारी आप रीजनिंग बुक चैनल पर डाल दीजिए, रवि पी तिवारी सर, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कैसे आप किताब परचेज कर सकते हैं। आप पूरे भारत में कहीं भी हो हम 5 से 7 दिन में किताब आपके घर पहुंचा देते हैं, क्लियर है? हाँ, होम डिलीवरी के माध्यम से, और कोरियर जो संस्था से किताब मंगाते हैं उनके लिए कोरियर फ्री होता है। तमाम वीडियो पड़े हुए इस किताब से संबंधित आप जो सर्च कर सकते हैं कि कैसे आप इस किताब को परचेस कर सकते हैं, क्लियर। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भी आप एक घटना चक्र की किताब के साथ सामान्य ज्ञान मंजूषा एक किताब आती है आपकी, सामान्य ज्ञान मंजूषा TMH पब्लिकेशन की, आप इस किताब को प्रेफर कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान मंजूषा एक किताब आती है TMH पब्लिकेशन की, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं और इसके साथ एक किताब आती है घटना चक्र। देखिए ये अंतिम समय है, लगभग 50 दिन का समय है। इन किताबों में देखिए कोई किताब में अगर आपको रिकमेंड करूं, जैसे मान लीजिए मैं मैथ के लिए डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर की किताब रिकमेंड कर दूं या किसी कई किताबें ऐसी आर एस अग्रवाल किताब, लेकिन किसी भी विषय की इन किताबों में इतना मटेरियल है कि आप 50 दिन में इन किताबों को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो अंतिम समय में जो आपकी जरूरत होती है इन किताबों के अलावा वो ये होती है कि एक गुणवत्तापूर्ण नोट्स आपके पास होने चाहिए PDF, जो एक मारक नोट्स हो, उन PDF के सिलेक्टेड PDF नोट्स के माध्यम से, जैसे विज्ञान है, रीजनिंग है, और हम आपको एक टॉपिक से 50 प्रश्न भेजें ताकि घटना चक्र के अगर मान लीजिए किसी टॉपिक में 300 प्रश्न दिए गए हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप पूरा घटना चक्र पूरा नहीं कर सकते 50 दिनों में। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 50 प्रश्नों का एक सिलेक्टेड आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाए प्रत्येक टॉपिक से, एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद, और रेलवे NTPC के CVT 1 और CVT 2 में जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनके उन्हीं हिस्सों को टारगेट किया जाए जो रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा को पार कर सकते हैं।
बस जैसे हमारी टीम जब कोई बैच शुरू करती है, किसी बैच की प्लानिंग करती है, जो पुराने सदस्य जुड़े रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही बैच के नोट्स हम सबको भेज देते हैं। हैंड रिटन से लेके हस्तलिखित से लेके प्रत्येक नोट्स आपको रेलवे के हिसाब से ही भेजा जाता है और रेलवे का ही भेजा जाता है। क्लियर? अगर हम किसी बैच को शुरू करते हैं, जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट के बैच में प्रत्येक नोट जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग से अध्यापकों द्वारा मेहनत करके आपको भेजे गए, तो यहां पर जो हम रिसर्च करते हैं वो रिसर्च बिल्कुल आपके भविष्य के लिए बहुत संतुलित करते हैं और बहुत सही दिशा में करते हैं। तो यहां पर अगर आप घर बैठे हैं तो आपके लिए मार्केट में इस समय घटना चक्र से अच्छी कोई किताब नहीं हो सकती प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप जो है हाथ थामते हैं तो फिर आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, आपको किसी भी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो आप यहां पर घटना चक्र ले सकते हैं और यहां पर आप सामान्य अध्ययन के लिए सामान्य ज्ञान मंजूषा ले सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप मेरी किताब को प्रेफर कर सकते हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि यहां पर आपको कोई भी रीजनिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जो सदस्य विगत दिनों में पढ़ते रहे हैं उनको ये बात मालूम है। तो अब तैयारी के अंतिम समय की रूपरेखा आपकी ये कहती है कि आप बहुत सिलेक्टेड पढ़े यहां पर, एक बात। दूसरी बात, लास्ट समय में केवल आप रिवीजन पर ध्यान दें, केवल आप रिवीजन पर ध्यान दें। अगर जो पुराने बैच के सदस्य देख रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं आपको मार्केट से कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, जो नोट्स आपको दिए गए हैं केवल आप उस नोट्स का रिवीजन करें। करंट और टेस्ट सीरीज अभी आपको मैं पूरा कराऊंगा, 3 बार करंट पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से करंट पढ़ाऊंगा और आपकी टेस्ट सीरीज भी पूरा कराऊंगा। और आप ऐसा होना पड़े कि मान लीजिए क्लॉक अगर आप पढ़ रहे हैं और क्लॉक के 9 भाग हैं तो 9 भाग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके 3 ही भागों से प्रश्न आपके आते हैं, 3 भाग से ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कैलेंडर के भी 2 ही भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंतिम समय में आपको जरूरत है सिलेक्टेड पढ़ने की, कि आपका एक प्रॉपर गाइडेंस क्या होना चाहिए कि किन टॉपिक से आप इन चीजों को पूरा कर सकते हैं। इससे पहले के बैच में चूंकि हम लोगों के पास समय था तो हमने आपको पूरा पढ़ाया, लगभग 5000 सदस्य हमारे बैच से जुड़े हुए थे। लेकिन अब यह जो कोर्स है ये 50 डेज टारगेट कोर्स है और अभी मैं ना तो कोई नंबर दे रहा हूं ना तो कोई अनाउंसमेंट कर रहा हूं, केवल कमेंट बॉक्स में आपके नंबर सुझाव आमंत्रित कर रहा हूं। क्या इसकी प्लानिंग है, होनी चाहिए, और कल से इसकी कक्षाओं को मैं धीरे धीरे हमारी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ, वही सदस्य पूरी टीम के हम लोगों के हैं, कल से इन कक्षाओं को हम लोग धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। शुरुआत की कुछ कक्षाएं आपको बताएंगे कि कैसे हमारी योजना रहेगी। अगर इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए वहां पर आप कॉलिंग करके इस बैच की जानकारी को आप पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अभी इस बैच के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं है, हाँ लेकिन कल परसों से इस बैच की एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। तो जिन भी सदस्यों ने हम लोगों को देखा, हम पर भरोसा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से हम लोगों ने बात की। परीक्षा दिसंबर के अंत तक घोषणा होने की संभावना है, जनवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह या तृतीय सप्ताह में परीक्षा, जनवरी माह आपकी परीक्षा का माह हो सकता है अभी मिल रही पुख्ता जानकारियों के अनुसार। दूसरा, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो मैंने कुछ प्रमुख पुस्तकों पर भी आपसे चर्चा की कि आपकी प्रमुख पुस्तकों की रणनीति ये होनी चाहिए, और संस्था का आपके लिए क्या कार्यक्रम है इस विषय वस्तु पर भी मैंने आपसे बात की। क्लियर? तो किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहा है, स्क्रॉलिंग पे जो नंबर चल रहा है, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। और लगातार अगले 4-5-6 दिन हम लोग एनटीपीसी से संबंधित पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। जो लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं उन लोगों का भी, और जो लोग हम लोगों से नहीं जुड़ रहे हैं उन लोगों का भी। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है इस बैच के बारे में, इस परीक्षा के बारे में, हमारी टीम के बारे में। कृपया आप अपने जो है सुझाव जरूर दें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी एनटीपीसी के परीक्षार्थियों को टारगेट विद तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।